साथियों, मैं आपको कन्नौज लेकर के चलता हूँ। शायद आप भूल गए होंगे कन्नौज में क्या हुआ था। कन्नौज के तिरवा चौराहे पर जिस प्रकार आप जानते हैं कि अवंती बाई लोधी की जो मूर्ति रखी गई थी उसको प्रशासन के द्वारा हटाया गया, फिर लोधी समाज के प्रयास के द्वारा उसको पुनः स्थापित किया गया था। आपको पता होगा वो वीडियो जो रात में सुब्रत पाठक का जो वीडियो वायरल हुआ था कि महाशय आपके वोट हमने खरीदे हैं, आपने दिए नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि लोधी समाज उस बात को भूल चुका है, क्योंकि कल लोधी समाज के जो कन्नौज के जो युवा थे उनका फ़ोन आया कि भैया फिर से वही हो रहा है जिसकी आशंका थी। कहीं ना कहीं जो लोधी समाज है और उसके कुछ जो दलाल हैं वो फिर से समाज को वहीं पर गिरवी रख रहे हैं। कहीं ना कहीं दारू जुआ और अशिक्षा का शिकार होने के कारण फिर से भाजपा से इस प्रकार उन्हीं के साथ में लगे हुए हैं। वो भूल चुके हैं कि जो लोधी समाज का जो गौरव था, जो सम्मान था, जिस प्रकार उसकी धज्जियां उड़ाई थी सुब्रत पाठक ने, उसी को लेकर के फिर से जो दलाल हैं उन्हीं के साथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दलाल तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है कि वो वीडियो फेक था, वो न्यूज़ भी फेक थी। लेकिन सोचिए साथियों, आप सभी ने वो वीडियो देखा, तमाम लोधी समाज में एक उबाल पैदा हुआ, खून ने उबाल मारा, पूरा जो लोधी समाज के युवा थे वो सड़कों पर थे। लेकिन आप जानते हैं कि फिर से कहीं ना कहीं फिर से वही हालत है जो आप देख रहे हैं, और फिर से वो भाजपा की जो मानसिक गुलामी है, जो हमारे समाज ने जकड़ रखी है उसकी गुलामी को, उसी को स्वीकार कर रहे हैं और फिर से सुब्रत पाठक को ही वहां पर जिता रहे हैं। साथियों, ये वोट की बात नहीं है जो मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप भाजपा को वोट दें या ना दें या किसी अन्य पार्टी को दें। मैं यहां पर किसी पार्टी का सपोर्ट या वो चीज़ करने के लिए नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या आप उस वीडियो को भूल चुके हैं? क्या आपने उस वीडियो को भुला दिया है जिसमें समाज के आत्मसम्मान को पूरे देश के लेवल पर तार तार किया गया था? आप भूल चुके हैं उन वाक्यों को जिस प्रकार सुब्रत पाठक ने लोधी समाज के वोट की पूरे सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई थी, कहा था कि आपका वोट खरीदा है? क्या आप भूल चुके हैं? सोचिए साथियों, आप आने वाली जो नस्ल है वो कैसी तैयार कर रहे हैं? साथियों, दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि इसमें बुरे लोग हैं, दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि जो जागरूक और शिक्षित लोग हैं वो आगे नहीं आते। साथियों, आपको पता है कि जो बलि है वो बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती। इसलिए शेर बनो और उस सुब्रत पाठक को बता दो कि लोधी समाज में अभी भी चेतना बाकी है, अभी भी वो अपने हकाधिकारों की लड़ाई लड़ना जानता है। इसलिए ये मैसेज उस तक पहुंचा दो कि लोधी समाज की जो आत्मा है, जो आत्मसम्मान है, अभी मरा नहीं है, उसकी आत्मा और उसकी चेतना अभी जागृत है और वो इस बार दिखाएगा कि किस तरीके से तुमने हमारे समाज के खिलाफ वो बातें बोली थी। इसलिए याद रखो और उसको जाकर ये संदेश सुना दो, क्योंकि लोधी समाज में अभी ऐसे युवा हैं जो फिर से सड़कों पर आ सकते हैं, आपकी जमीन को हिला सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएं और जो समाज के दलाल हैं, जो कन्नौज में लगातार भाजपा के लिए जो काम कर रहे हैं, वो याद रखें, इस सम्मान को ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में ये जो भाजपा के नेता हैं या ऐसे दलाल हैं वो किसी गांव में नहीं जा पाएंगे। उनका गांव-गांव में विरोध होगा, क्योंकि आप जानते हैं अलीगढ़ में क्या हुआ है। सतीश गौतम के जो बेटे, जो रजत गौतम हैं, उसको गाँव में उसको भगाया गया है और उसको उसकी कोई बात नहीं सुनी है और उसका बहिष्कार किया है। और गाँव-गाँव क्या हर जगह से ये रिपोर्टें आ रही हैं, इनके नेताओं को गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो सोचियो, आने वाले समय में ये भविष्य है जो समाज का जो ख्याल नहीं करे, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य नहीं करेगा, उसका इसी प्रकार से गांव से बहिष्कार होगा। तो साथियों, आपको जागृत होने की आवश्यकता है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय अवंती।